जनूबी कश्मीर के नूराबाद कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिका वजीर सकीना ईतू की कयादत में आज महंगाई की भरमार और मोहकमा बिजली के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत करके इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी की। रैली सकीना ईतू के रिहायशगाह से निकलकर मेन बाजार से होते हुए SDM दफ्तर में पुरामंतौर इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान मुजाहरीन ने हाथों में लालटीन उठाकर सरकार के खिलाफ सख्त गम गुस्से का इजहार किया और कहा कि जो सरकार ने दावा किया है कि लोगों को बिला खलल बिजली फराहम की जाएगी, वो दावे जमीनी सतह पर सराब साबित हो रहे हैं और जंग आमद वो लोग आज एहतजाज करने पर मजबूर हुए। इस मौके पर सकीना ईतू ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और महंगाई की भरमार से लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई। उन्होंने कहा कि यहां के गरीब आवाम को PMAY मनरेगा जैसे स्कीमों का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली की इस कदर अबतर सूरतहाल बनी हुई है कि महाना बिजली फीस में भी बेतहाशा इजाफा किया गया। रैली से कबल दमाल हाजीपुरा में उनके रिहायशगाह पर पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद हुआ, जिसमें पार्टी से वाबस्ता लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सकीना ईतू ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए घर घर जाकर जमीनी सतह पर काम करे। हालत हुई है वो बहुत खराब हालत हुई है। जो पेटी यहाँ 2000 में बिकती थी, इस साल वो पेटी 200 में बिकी और गरीब मारा गया है। मेरी गुजारिश है बिजली का निजाम जो है उसको ठीक किया जाए। नेचुरली सरकार को ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी रेस्पॉन्सिबल हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने काफी कुछ ठीक किया है, लेकिन बदकिस्मती से अगर ग्राउंड में देखा जाए तो कुछ भी ठीक नहीं है। बिजली का इतना बुरा हाल है, खुर्शीद साहब आप खुद यहाँ के रहने वाले हैं और ये सारे मीडिया के भाई हमारे जानते हैं, बिजली आती है आधा घंटा 4 घंटे गायब हो जाती है, एक मिस्ड कॉल की तरह आती है। घर के अंदर जो सामान है, चाहे ब्लोअर है गीजर है, वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि अगर इनको शेड्यूल बनाना होता, अगर 4 घंटे बिजली देनी है मेहरबानी करके 4 घंटे बिजली दे, अगर उसके बाद कहीं और 4 घंटे देनी है और लोगों को एक उसमें एडवर्टाइज करे, लोगों को जानकारी दे ये 4 घंटे बिजली रहेगी उसके बाद नहीं रहेगी। इसी तरह शुगर का आप देखे, कहीं पे नाम निशान नहीं है। केरोसिन ऑयल आप यकीन नहीं करेंगे, खुदा की कसम हमने ये जो रखे थे लालटीन, हमने सोचा था इनको जलाएंगे, लेकिन कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बोतल केरोसिन ऑयल मिले, नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से हम इनको जला नहीं पाए। ये खुदा न खास्ता ये नहीं है कि बस नुक्ताचीनी पे नुक्ताचीनी, लेकिन जो हम ग्राउंड में देखते हैं, जो हमें ग्राउंड में सिचुएशन पता चलती है, लोग हमें मिलते हैं, बिजली का बहुत ही बुरा हाल है। 920 के करीब, मान लीजिए 1000 के करीब, एक गरीब जो महीने में 500 भी नहीं कमाता है, चाहे वो हमारा ST भाई हो या नॉन ST का हो, वो 1000 बिजली कैसे दे सकता है। और ये नॉन ST होते हैं, माइग्रेट करते हैं, आप यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। हम अपनी सरकार में इनको 6 महीने जो है बिजली बंद रखते थे और बिजली का फीस जो है वो 6 महीने नहीं देने देते थे। जब ये मार्च अप्रैल में वापस आते थे तब लेते थे, लेकिन आज जो हालत है कोई सुनता नहीं है, सुनवाई नहीं है, बहुत ज्यादा बहरी हो गई है सरकार, बिल्कुल अंधी हो गई सरकार। BPL कार्ड के लिए उन्होंने क्राइटेरिया निकाला, जिसके घर में 2 कमरे होंगे वो BPL के लायक नहीं है, जिसके घर में 100 फुट की जमीन होगी बाहर वो BPL के लायक नहीं है। आप बताइए जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में कौन ऐसा है जिसके पास 2 कमरे नहीं है? एक मिसाल बताइए, अगर उसको इस लिहाज से BPL कार्ड किया काटा जाए, लोन पे गाड़ियां निकालते हैं लोग, 5-5 लाख 10-10 लाख लोन निकालते हैं, उस बुनियाद पे गाड़ियां लेते हैं। BPL में क्राइटेरिया रखा है, जिसके पास गाड़ी होगी उसका BPL कार्ड नहीं मिलेगा। इसलिए मेहरबानी करके मेरी आप सब मीडिया के भाइयों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इन चीजों को उजागर करिए और ये जो हमारे गरीब तबका है उनके ऊपर एहसान करिए। और ये इस वक्त हॉर्टिकल्चर सेक्टर ने इनका कमर तोड़ दिया है। पेटी जो 2000 में बिकती थी आज 400 में बिकती है,
बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको, इसलिए ये इस वक्त ये इतना जो 1000 रुपया इनको देना पड़ेगा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, नाकाबिल बर्दाश्त है, अनजस्टिफाइड है, इसको फिर भी डिपार्टमेंट को रिन्यू करना चाहिए। अच्छा ट्रांसफार्मर कहीं जलता है, लोग खुद पैसे जमा करते हैं फिर ट्रांसफार्मर को लेते हैं ठीक करवाते हैं, ठीक होता है फिर आके फिर खराब हो जाता है, एक सिस्टम नहीं है PDD डिपार्टमेंट के पास, इनको सिस्टम बनाना चाहिए और लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए।